तो कैसे काम चलेगा, हमें अपने दीन पे ऊपर ध्यान देना है ना। चलिए मेरे हिसाब से मैंने आज शायद बहुत ज़्यादा पका दिया है, बट जो भी है काम की बातें हैं, फालतू की नहीं है। रमज़ान पर मुझे सिर्फ यही करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सही सलामत होंगे। तो आज की पेशकश है वीडियो के ऊपर, ख़ास करके आज की पेशकश है मेरे ऊपर। मेरे इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन होगा मेरा, जिसमें मैंने DYC का मतलब, अभी तो फ़िलहाल मुझे हेड मानिए आप लोग, तो मैं DYC का एक तरफ से हेड हूँ। और हम DYC और अपने आसपास के माहौल के बारे में थोड़ी बात करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, 4 साढ़े 4 मिनट की होगी, ज़्यादा नहीं। मुझे पता है लोग इतना भी नहीं देखना चाहते, कोई बात नहीं, उन्हें सिर्फ मज़े चाहिए। हर जगह मज़े नहीं मिलते मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप सबको हर रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, सहरी कम्प्लीट, फजर कम्प्लीट। मैंने थी थी जो मैं हर दिन मतलब 30 रमज़ान तक शॉर्ट्स के रूप में भेजने वाला था, बट मैंने कल बनाया नहीं। मैंने एक मकबूल बनाया था कि मैं पर डे वीडियो अपलोड करूँगा, बट मेरे से कल हुआ नहीं, कल मैं सो गया था। तो सबसे वीडियो बनाने का सबसे पहला सबसे अच्छा टाइमिंग है फजर का, क्योंकि फजर के टाइम पे कोई मुझे देख नहीं सकता, ज़्यादातर भीड़ नहीं होगी, मैं छत पर आराम से बना भी सकूँगा 1 मिनट। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हसन है, मैं फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ। इस चैनल में मैंने DYC इसीलिए लिखा है क्योंकि FBC, FYC और HYC तो पहले से ही है, तो इसमें दिल्ली, फरीदाबाद और हरियाणा, ये 3 शहरें इंपॉर्टेंट होगी। इस 3 शहरों के नौजवानों से मैं खास करके गुजारिश करूँगा कि वो इस चैनल को सपोर्ट करें, बिकॉज़ इन 3 शहरों में हम आसानी से जा सकते हैं ना, बाकी किसी शहर में जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगा। तो मैं आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें दूसरों के बारे में बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में अच्छे से समझ जाएँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे करने से क्या फ़ायदा है और मुझे क्या फ़ायदा है ये सब। देखिए मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, जो भी होने वाला है एक कम्युनिटी को होने वाला है, अच्छी पीस और ह्यूमैनिटी के लिए होने वाला है, इस्लाम को होने वाला है। मैं बस एक ज़रिया बनना चाहता हूँ कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, शुक्रिया। आसपास के माहौल की, कि हमारा आसपास का माहौल कैसा है, मुझे ये बनाने की ज़रूरत और क्यों पड़ रही है ख़ास करके। सो मुझे यहाँ पे मैं हूँ, मेरे हिसाब से तो ये जगह अभी तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन ऐसी और अलग जगह हैं जहाँ पर माहौल अच्छा नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। तो इसीलिए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, इस चैनल को बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि हम उस जगह पर जाके उनकी मदद कर सकें फाइनेंशियली, फिज़िकली और इमोशनली। अभी तो मेरे पास ना ही फाइनेंशियल है, ना ही फिज़िकल है, इमोशन है, इसलिए इमोशन के साथ ही तो वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको पका रहा हूँ, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप सब लोग जो बढ़िया सहरी करते हैं, बढ़िया इफ्तारी करते हैं, उसकी स्टेटस लगाते हैं, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोग सोचते हैं मेरी स्टोरी पे 40 व्यूज़ है, 50 व्यूज़ है, अब सोचो यार उस बंदे ने क्या खाया होगा। ठीक है, तो ये जो बच्चा आपने देखा अभी, ये है गाज़ा का। एक्चुअली वीडियो में तो पता नहीं कहाँ का डाल दिया, बट मान लीजिए कहीं का भी हो, वो बच्चा क्या पानी पी रहा है? हाँ, कीचड़ वाला, जो पानी आप लोग अपनी बॉडी पे भी गिर जाए तो नहाना पसंद करते हैं, कपड़ा चेंज करना पसंद करते हैं, वो पानी वो पी रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साफ़ पानी नहीं है। समझ नहीं आता, ये सब देख के अंदर भी आपके अंदर का जो इंसान जो है वो मतलब कुछ कहता नहीं है। वीडियोज़ पर 5 लाख 4 लाख लाइक्स आ जाएंगे, बट क्या फ़ायदा उन लाइक्स का जब उनके लिए बेटर हम कुछ कर नहीं सकते। तो बस हम लोग लाइक्स ही देते रहेंगे, वीडियो चालू करेंगे तो इमोशनली होते रहेंगे, यही करना है क्या हमें? इंसान होने का मतलब क्या है? एक दूसरे की मदद करना। रिलीजन गया बाहर में, उसको रखो साइड में, इंसान हो पहले, तुम मदद करो दूसरों की, उसको समझो उसकी क्या नीड्स हैं। हमें तो खाना पीना सब चाहिए, इफ्तारी होगी तो अच्छे से एक से बढ़ के एक खाने बनेंगे। जिसके पास नहीं है उसको दावत दो कि तुम भाई आओ हमारे साथ बैठ के खाओ। रमज़ान का मतलब ही क्या हुआ? सिर्फ रोज़ा रख के इबादत करना थोड़ी ना है, नमाज तरावी पढ़ना नहीं ब्रो, उसमें हमें दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के ऊपर क्या बीती है वो हमें समझना है। दिन भर रोज़ा रख के भूख क्या होती है, प्यास क्या होती है। तो यार जब तुम्हें ये सब समझ आ रहा है तो तुम क्यों दूसरों की मदद नहीं करना चाहते यार? ये सब देख के कुछ ना कुछ डोनेशन करो यार, कुछ तो कर ही सकते हो। जो कमाने वाले बंदे हैं खास करके वो, अब तुम या अल्लाह मैं रोज़ा रखा है, तुम लोगों को लगता है कि पका रहे हैं, अरे भाईजान पका रहे हैं तो थोड़ा पक लो, इतना तो तुम लोग देखते ही हो वीडियो यार, समझोगे कब भाईजान? अभी तो हमें करने का टाइम आया है, अभी तो हमें करना है, अभी तो हम लोग जवान हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर कोई और आएगा क्या? ये वो 700-800 साल पुराने का ज़माना नहीं है जब सलाउद्दीन अयूबी ऐसे लोग उठेंगे वो कुछ करेंगे ना ब्रो। आज हम ही, हमारे हाथ में मोबाइल है, वीडियो वीडियोज बनाने से अच्छा, नाचने से अच्छा है कि ऐसी वीडियो बना के अपलोड करें, लोग देखेंगे कुछ ना कुछ तो जानेंगे। मोटिव था
मेरा मेन जो मोटिव था वो था मस्जिद के ऊपर वीडियो बनाने का, कि मस्जिद में आजकल का क्या माहौल है, बट मैं कहीं और ही चला गया फ्लो में, सॉरी। तो मस्जिद के अंदर जो माहौल है आजकल, देखिए मैं मुसलमानों की बात करूँगा, हिंदुज़म की नहीं, तो हम मुस्लिम्स में ही आज का जो माहौल, अगर हमें किसी को अपनी बात मनवानी होती तो हमें सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए होती है, हाइट, वेट और उम्र, ठीक है। किसी किसी जगह पर ये तीनों तीनों काम आती है, लेकिन खास करके मस्जिद में हमारी क्या काम आती है, हमारी मस्जिद में काम आती है उम्र। पहले का माहौल अलग था, 800, 700, 600 साल पुराने का माहौल अलग था, कि लोग दीन के ऊपर बात करते थे, जिसका दीन ज़्यादा बड़ा है उसकी बात मानी जाएगी। लेकिन आज का माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के माहौल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हाइट देखी जाती है, तुम्हारी गले की आवाज़ देखी जाती है। अगर तुम्हारे पास ये दोनों है तो तुम मस्जिद में खड़े होकर कुछ कह सकते हो, लोग वो बात मानेंगे। मैं खुद उसे एक्सपीरियंस करता हूँ, उसके बाद ही मैं कहता हूँ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अपने इलाके की मस्जिद को देखा है मैंने। अगर मेरे आसपास के कोई लोग देखते हैं तो मुझे माफ़ करना, मैं उनसे नहीं कह सकता क्योंकि मेरी हाइट छोटी है। मैं बताता हूँ ना, मेरी हाइट है 5'4", वेट है 55 किलो और मेरी उम्र है 19 में पढ़ा हूँ, तो मैं अभी नहीं कह सकता, जाहिर सी बात है, ठीक है। जो कह सकते हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि तुम लोग थोड़ा मस्जिद का अदब करो भाईजान। ऐसे नहीं होता है कि तुम लोग मतलब मस्जिद में खड़े होगे दहाड़े मार के हंसोगे, दहाड़े मार के चिल्लाओगे। तुम हम लोग अपने ही दीन को समझ नहीं पाते तो कैसे काम चलेगा, हमें अपने दीन के ऊपर ध्यान देना है ना। चलिए, मेरे हिसाब से मैंने आज शायद बहुत ज़्यादा पका दिया है, बट जो भी है, काम की बातें हैं, फालतू की नहीं है। रमज़ान पर मुझे सिर्फ यही करना है कि कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा बताते रहना है, फालतू की बातें नहीं करनी। कहीं घूमने आने का व्लॉग हो तो मैं देखूँगा, बट इस चैनल पर तो सिर्फ इन सब से रिलेटेड ही आएंगे। तो अगर आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं पसंद है तो किसी और को भेजिए, क्या पता उसे पसंद हो, उसे अच्छा लगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।